नमस्ते स्टूडेंट्स, आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेकर आ रहा हूँ आपके कोर्सेज के लिए। जिस कोर्सेज अभी जो चलाए जा रहे हैं, जिसका नाम है DADCA, DCA, CCC एंड BCC कोर्सेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी चल रहा है, जिसका नाम है प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के इंटरनल प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो आज हम लोग पहले पढ़ चुके थे। पिछले टॉपिक में पढ़ा भी आपने, SMPS के बारे में पढ़ाया गया था, मदरबोर्ड पढ़ाया गया था, एंड फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ाया गया था, SSD यानी हार्ड डिस्क के बारे में चुकाया था, एंड SSD के बारे में पढ़ाया गया था। उनके बाद आज हम पढ़ेंगे CD, टॉपिक आपने देखा था, आज हम पढ़ेंगे उसका नया डिजाइन जिसका नाम है DVD, यानी डिजिटल, इसको बोलते हैं डिजिटल वर्सलाइट डिस्क, यानी ये CD की भांति होता है, इसका नाम है DVD, डिजिटल वर्सलाइट डिस्क जिसको कहते हैं। DVD इज ए डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज, द फॉर्मेट इन्वेंटेड इन द डेवलप इन 1995 एंड रिलीज इन लेट 1996, द मीडियम कैन बी स्टोर्ड एनी काइंड्स ऑफ द डिजिटल डाटा इज वाइडली यूज फॉर सॉफ्टवेयर एंड अदर कंप्यूटर फाइल्स एज वेल वीडियो प्रोग्राम, यानी कंप्यूटर में जो बड़े टाइप के जो प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उन्हें वो ज्यादा से ज्यादा फाइल होती है, ज्यादा से ज्यादा स्पेस होती है, तो उनको DVD में रखा जाता है। तो उसकी स्पेस क्या होती है ज्यादा, तो DVD की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जैसे मैंने आपको CD के बारे में बताया था, CD दो प्रकार की होती है, रीड ओनली या रीड एंड राइट, जिसकी दोनों कैपेसिटी आपकी क्या होती है 700 MB होती है, यानी 700 MB। इसी तरीके से DVD भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक रीड ओनली होता है, एक रीड एंड राइट होता है, यानी सेम जैसे CD दिखता है वैसे DVD देता है, लेकिन DVD की कैपेसिटी होती है 4.7 GB, इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल डिजिटल वर्सलाइट डिस्क कहते हैं। ये देखिए आपके सामने स्टूडेंट, ये DVD है आपके, और देखिए अब यहाँ पे ये DVD आपके सामने ध्यान से दिख रहा होगा। अब इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट में 4.7 GB, यानी 4.7 GB तक इसमें डेटा को स्टोर की जा सकती है, जिसका नाम है DVD। ओके स्टूडेंट, तो आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स में DVD क्या होता है। ओके, अगर वीडियो समझ में आया, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दूसरा चीज, हर वीडियो आपको पहले मिले इसीलिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।